पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दो दिन बाद नीरज बवाना गैंग ने बदला लेने की धमकी दी है। दिल्ली एनसीआर के इस गैंग ने ऐलान किया है कि दो दिन में भाई मूसेवाला के मर्डर का हिसाब किताब चुकता कर देंगे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया गया है। इस धमकी के बाद आने वाले दिनों में पंजाब में गैंग वॉर और बढ़ सकता है। बता दें कि बवाना गैंग वही गैंग है जिससे कौशल गुड़गम, तिल्लू तेजपुरिया और दविंदर बम्बिहा गैंग भी जुड़ा है। इस धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई की तरह नीरज बवाना भी तिहाड़ जेल में बंद है, यहीं से वो अपनी गैंग को चलाता है। दिल्ली का रहने वाला नीरज बवाना अपराध की दुनिया का जाना माना नाम है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में इसका खौफ है। गैंग के सदस्य भी इन्हीं राज्यों से जुड़े हुए हैं। नीरज पर मर्डर, लूट, फिरौती समेत कई संगीन अपराध दर्ज है। कहा जाता है कि दिल्ली में नीतू दाबोदा के एनकाउंटर के बाद से ही नीरज का यहां एक शतराज चल रहा है। नीरज बवाना गैंग से पहले बम्बिहा गैंग भी बदले की धमकी दे चुका है। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है, कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया, तभी बम्बिहा गैंग ने कहा है कि मूसेवाला का उसकी गैंग से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहा जा रहा है कि वो हमसे जुड़े थे तो हम उनकी हत्या का बदला जरूर लेंगे। 29 मई रविवार को मानसा के जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। बताया जाता है कि इस दौरान करीब 30 राउंड फायर किए गए थे जो उनके सिर, छाती और पेट के आर पार हो गई थी। हमलावर 2 मिनट में इस सारी घटना को अंजाम देने के बाद भाग निकले। इसके बाद मूसेवाला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद मंगलवार को मूसेवाला का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।